सो दोस्तों, चाय पी के जस्ट अभी उठे ही थे हम, और अभी अभी हमें ताजा न्यूज मिली है भाई साहब कि चोरी हो चुकी है, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी चोरी हुई है भाई जी। सदमा लग गया हमको। सदमा लग गया है। हाँ। चोरी क्या हुआ है? चोरी हुई है जी बाइक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। कल रात काफी लेट हो गए थे, चलते चलते अपन को ये ढाबा मिला और वहीं पे अपन उनसे पूछा कि कहीं रुक सकते हैं, तो उन्होंने स्पेस भी प्रोवाइड कर दी, कुछ उस जगह पे स्पेस है अपनी रुकने की। तो आराम से टेंट के अंदर सोए थे। यहाँ पे ठंड भी नहीं थी क्योंकि नारकंडा में काफी ऊंचाई थी और यहाँ पे काफी प्लेन है, मतलब आगे रामनगर तक पूरा प्लेन ही प्लेन है, मतलब काफी हाइट नहीं है, पूरा पूरा डिक्लाइन आ रहा है पहाड़। तो पूरा स्मूदी स्मूद आराम से ऑफ करते हुए आए थे, तो टाइम भी काफ़ी लग गया था क्योंकि हम सोच रहे थे शायद हम नीचे चले जाएं तो टेम्परेचर लो हो जाए और हम आराम से सो जाएं। तो नीचे तो आ गए लेकिन रात काफ़ी हो गई थी, तो इसलिए खाने के लिए बहुत देर तक ढूंढते रहे क्योंकि सब कुछ बंद ही हो गया था, लगभग सारे रेस्टोरेंट्स बंद, सब कुछ बंद, तो बहुत मुश्किल हो गया था ढूंढना कुछ भी। ना तो कोई ढाबा दिख रहा था, ना तो कोई होटल दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था पूरी रात। तो चलते चलते अपन को ये जगह मिली, सो आराम से सो गए थे, कोई दिक्कत तो नहीं आई। आज अपन अच्छे खासे किलोमीटर्स कंप्लीट कर लेंगे, एग्जैक्टली स्पीति एंटर ही कर लेंगे। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मोटे सस्रीकाल। ओहो, मुझे लग रहा मोटे ज्यादा हो गए हो। मोटा तो नहीं हो गया। हाँ। पर एक्सेस मोटा था, देख यार पतला हो गया, रोटी मिलती नहीं है। अच्छा, पतला हो गया। हाय हाय, ये तो कोट मोटा हो। टेंशन से मोटा हो जाता आदमी वैसे। टेंशन से मोटा हो जाता आदमी वैसे। मेरे को टेंशन आई नहीं है, जिसको टेंशन है उसी को है। मुझे तो कोई टेंशन नहीं है भाई, मेरे को पता है, हमें परवाह नहीं है टूडे लाल दी। चलो नाश्ता करा। रात को अपन ना दोनों अलग टेंट में सोए थे क्योंकि भाई रात को ना मतलब हम जैसे ज्यादा ठंड होती है ना तो चिपक जाते हैं एक दूसरे से क्योंकि स्पेस हो जाती है ना, ठंड लगती है ज्यादा। तो पता है क्या स्पेस कम है ना, तो और हमने सामान भी रखना होता है, तो इसलिए फिर आज दोनों लगाएंगे। हाँ, लगाएंगे, एक में सामान डाल दिया करेंगे पूरा। सामान एक में डाल के एक में सो जाएंगे दोनों। मैं नहीं सोऊंगा, चिपक के सोता। चलते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं और फिर निकलने की तैयारी करते हैं। आज पीटी एंटर करना है भाई साहब। हाँ, कितने किलोमीटर होगा? 150 समथिंग तो होगा। 150 कर देंगे भाई, आज जल्दी उठ के हम चलेंगे 11 बजे। नहीं, 10 टाइम, कितना टाइम हो गया पहले टाइम? 9:30 बजे। 9:30 बजे लगभग 10 बजे निकलेंगे भाई यहाँ से, खाना खा के चले गए क्योंकि जिस दिन खाना ना खा के खाना नहीं मिलता भाई, मैं तो गलती करूंगा नहीं। ओके, मेरे साथ बहुत बुरी बनती है, जिस दिन खाना खा के ना रात के 10-11 बजे तक खाना नहीं मिलता। सच्चाई है यार ये रियल बात है वैसे। नहीं खा के, मम्मी भी यही कहती है घर से अगर खाना खा के नहीं निकलोगे ना तो आपको बाहर कभी खाना नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, खाना भी अच्छा है यार। आटा अच्छे वाला है। चलो टेंट पैक करते हैं फिर निकलते हैं। भाई ये पूरी स्पीति जर्नी का ना यही दवाई है भाई, इसे पी पी के ही गर्मी ले रहे हैं हम चाय, नहीं तो ठंड बहुत लगती है भाई, खतरनाक ठंड होती है। चाय आज हम डाउन में भी है, मतलब हाइट से बहुत नीचे है और यहाँ पे थोड़ी मतलब ठंड कम भी है पर तब भी ठंड लग रही है क्योंकि अपन सोते तो भारी है और भारी बाइक चलाते हैं तो ठंड लगती लगती है, और हल्की भी ठंड में अगर हम बाइक चलाएंगे तो हवा चलती है तो पूरी बॉडी को चीर देती है भाई। पी लेते हैं चाय फिर चलने की तैयारी करनी है। नाश्ता ही बनवा लिया, मूली के पराठे मिल गए थे, टेस्ट करके देखते कैसे मिलते हैं, बढ़िया ही होंगे पक्की बात है। आंटी बना रही है ना, मम्मी जैसे हाथ के होंगे। हाँ, सो दोस्तों चाय पी के जस्ट अभी उठे ही थे हम, और अभी अभी हमें ताजा न्यूज मिली है भाई साहब कि चोरी हो चुकी है, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी चोरी हुई है भाई जी। सदमा लग गया हमको। सदमा लग गया है। हाँ। चोरी क्या हुआ है? चोरी हुई है जी बाइक की रस्सी, पीछे बनी थी। भाई जगह जगह जाके पूछे रस्सी कहाँ गई, रस्सी कहाँ गई, रस्सी मुझे क्या पता कहाँ चली गई भाई, ढूंढो ना रस्सी का क्या करेगा, लेके जानी बाइक तो ले जाए कुछ ही काम तो आए रस्सी का क्या। चलो कोई नहीं, रस्सी तो हमें मिल जाएगी कोई ना कोई रस्सी बांधने के लिए, पर पता नहीं रस्सी चली गई अब, गम बहुत रस्सी का। कोई घर से लड़के आया होगा फांसी डाल ली। चलो मिल जाएगी रस्सी, टेंशन नहीं है इतनी कोई। नहीं टेंशन हम लेते, मैं तो कहता हूँ ये 90 लीटर वाला बैग, इतना बड़ा बैग ये पीठ पे बांध लो यहाँ पे, और ये यहाँ बांध लो आगे, और क्या, और पैदल चल पड़ू। अरे वो रस्सी बहुत है मेरे पास, सामने दिख रही है, मैं उठा लूंगा। मुझे बांधनी है। तू क्या कर रहा है? मतलब वो सारे सामान उधर जो बंधेगा वो कैसे बंधेगा फिर? कौन सा वो तू देख, मैं अपना। वाह जी वाह,
नहीं उनमें एक्स्ट्रा एक दो सी। अच्छा सो दोस्तों एक और नई खबर है, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। देखिए पूरी रात धन्नो पे चाबी लगी रही, धन्नो कोई नहीं लेके गया, इनकी रस्सी ले गए, मेरी बाइक भी नहीं कोई ले गया, रस्सी लेके गया। समस्या तो यही, बाइक की चाबी नहीं थी तुम्हारी तो? अरे मैं तो चाबी देता तो बाइक ले जा, तो रस्सी लेने दे। कंटेंट तो बन जाता, चोरी हो गई बाइक, किसी काम तो होती रस्सी किसी काम की नहीं भाई, 50 रुपए की रस्सी बस। अब आगे जाके ले ही लेंगे, वैसे अभी मैंने सॉल्व कर दिया, मेरे पास 4 रस्सियां थी, मेरी 3 रस्सी से काम चला लूंगा, 1 रस्सी नहीं दे दूंगा फांसी लान ली। मेरी सभी चोर से विनम्र प्रार्थना है भाई साहब, अगर करनी होती ना तो अच्छे वाली किया करो यार, क्या 50 रुपए की चीज। नहीं ये कहना चाह रहे, नीचे UPI पिन भी है, किसी किसी ने लिए तो इन्हें दे देना। नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, चलो सामान वामान बांधेंगे बाद में, पहले पराठे खाते हैं बढ़िया वाले, फिर निकलते हैं। बढ़िया वाले कैसे होते हैं? बढ़िया वाले बढ़िया। ठीक है यार जल्दी। लो भाई यहाँ आ चुके अपने मूली के पराठे, मेरे फेवरेट मूली के पराठे, और ये रहा एग, पराठों के साथ एग खा रहा हूँ मैं। ठीक है मैंने पहले एग बोल दिया था, फिर उन्होंने बताया मूली के पराठे है। ठीक है तो मैंने बोला मूली के पराठे चाहिए, एग तो मैं ऐसे खा लूंगा, मेरे सबसे फेवरेट है ना मूली पराठे। सो हमने सारा ही सामान पैक कर दिया है, निकलने के लिए अपन तैयार है। थैंक यू जी आंटी, मिलेंगे फिर, वापस आएंगे तो जरूर आपके पास रुकेंगे। बहुत ज़्यादा बढ़िया खाना मिला था यहाँ पे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अपने घर में खाना खा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलते हैं अभी, देर नहीं करते हैं, जीतू भाजी का इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ा फ्रेश होने गए हैं, फिर निकलेंगे। अभी तो सारी ढलान है, गाड़ी ऑफ करके चला रहे हैं हम, और आराम आराम से जा रहे हैं, ज़्यादा स्पीड होगी हमारी 30 या 20, ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। पर आप ये देखो पहाड़ जो है ना, सारे पहाड़ों से ना अब पूरे गंजे हो गए पहाड़, पेड़ पेड़ कम हो गए हैं सारे, और ऐसे जितना हम आगे जाते जाएंगे ना स्पीति की तरफ तो उतने ही पहाड़ कम होते चले जाएंगे। पर ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कर्व्स के साथ है और बिल्कुल साफ बना हुआ है, यहाँ तक तो पूरी रोड साफ है। लोग कहते हैं कि रोहतांग क्यू तक रोड बिल्कुल सही है काजा की, कोई दिक्कत नहीं आती रोड में, उसके आगे रोड खराब है। सो आप जो सामने पहाड़ियाँ देख रहे हो ये सारी स्पीति की पहाड़ियाँ हैं, ऐसी बर्फीली पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, और सारी हाइट पे, सबसे ज़्यादा हाइट है यहाँ इस पूरे हिमाचल के अंदर वहाँ पर, और मज़ा काफ़ी आने वाला है, मतलब ये ड्रीम लोकेशन होती है हर राइडर की और बहुत खूबसूरत होती है। आज तो हम पूरा सील पैक होकर चल रहे हैं, मतलब मैंने पूरा पैक कर दिया अपने आप को, कहीं से हवा भी नहीं घुस सकती है बिल्कुल भी। अभी एक ग्लव्स पहना है दोपहर में, शाम को मैं दूसरा ग्लव भी पहन लूँगा, मतलब 4 बजे के बाद दूसरा ग्लव पहन लूँगा ठंड ना लगे, ताकि और ठंड से जितना बच सके उतना बचेंगे, क्योंकि बीमार होने के चांसेस हो सकते हैं अगर हम ठंड से ज़्यादा खेलेंगे तो, क्योंकि इस ठंड को मजाक में नहीं ले सकते। लेकिन मज़ा काफ़ी आने वाला है, एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया होने वाला है, कितनी बढ़िया लग रही है ना वो पहाड़ियाँ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਐਸਕੋਬਾਰ ਚੱਕਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਸ਼ੇਰ ਡੱਕਿਆ ਪਿਕ ਸਟੈਪਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਕਲਪ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਚਲੀ ਤੇ ਮੱਠੀ ਰਾ। सामने जो नदी देख रहे हो आप ये सतलज, और बहुत तेज स्पीड होती है यहाँ पे इसकी, इस वक्त पूरा बर्फीला पानी होगा और यही आगे पंजाब जाती है और फिर पाकिस्तान। बहुत बढ़िया लगती है, पूरे पहाड़ों को काटते हुए आती है, सामने देखो पूरा पहाड़ काट रखा उसने, और बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ पे, खतरनाक, पूरे ग्लेशियर से निकल रही है, बस थोड़ा सा ही आगे स्पीति का ग्लेशियर वहाँ से निकल रही है, बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। यहाँ देखो भाई हमारी आर्मी का कमाल, सुरंग काटी है पूरी नदी के लिए और पूरा रास्ता डाइवर्ट किया है रोड बनाने के लिए, और देखो सामने नदी आ रही है, कुछ अलग ही काम करती है हमारी आर्मी, जैसा लोग सोच भी नहीं सकते, कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। भाई साहब नदी देखिए सुरंग से निकलते हुए। हाँ वही तो देख रहा हूँ, आर्मी ने किया ये, आर्मी ने किया ये, पता नहीं यार पहाड़ के बीच में से नदी निकाल दी है। तो देखो जी वहाँ से आ रही है नदी और ये सुरंग में डल जा रही है, ठीक है, और ये सुरंग उस जगह पर निकल रही है वहाँ जाके उस पहाड़ी पे,
आप देख रहे हो कितनी मतलब कितनी लंबी सुरंग बनानी पड़ी होगी और क्या टफनेस पड़ी होगी आर्मी को बनाने के लिए, और ये सारी रोड्स बनाने के लिए हमारे लिए चाइना बॉर्डर से टच होता है हमारा स्पीति, तो ज़रूरी भी है वहाँ पे सेफ्टी के लिए हमारे इंडिया की, तो ये सारे काम हमारी आर्मी हमारे लिए कर रही है। बहुत मेहनत लगी होगी, ये देख के लग रहा है आपको हल्का, लेकिन बहुत मेहनत लगी होगी, पूरा पहाड़ अंदर से कटा हुआ नीचे की तरफ से। सो चलते चलते हम रामपुर पहुंच चुके हैं, और रामपुर काजा से पहले सबसे बड़ी सिटी है, इसके बाद सिर्फ काजा पड़ेगी, वो भी रामपुर जितनी बड़ी नहीं है, कनेक्टिविटी है रामपुर उसकी, अगर उसे कोई ज़रूरत पड़ती है तो रामपुर से सामान जाता है सारा। सो इन पहाड़ों के पीछे वैली टाइप का है पूरा, और ये जगह पूरी कमर्शलाइज्ड है, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है, आप देख सकते हो पूरी प्लेन रोड है, बिना किसी दिक्कत के आराम से गाड़ी जा रही है, पर अब इसके बाद सारी हाइट स्टार्ट हो जाएगी। लो भाई हमको अपना चटर पटर मिल चुका है। ओहो हो हो भाई, आपकी एनर्जी ड्रिंक तो मिल जाएगी यहाँ पे, चाय। मेरी एनर्जी ड्रिंक तो है भाई, पता क्या हुआ, आग जलती देख के ना अर्ज भाई डर गए। अरे वो इसके नीचे ना थोड़ी आग ज्यादा निकल रही थी जब मैं आया था, स्टोव को जब चालू करते ना आग ज्यादा, इसने सोच रहा है भाई इसमें भी आग लगी, अर्ज भाग गया, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया पकड़ा इसको। भाई डर लगने लग गया कल से, आग से डर लगने लग गया। बाकी आग कल तो हमने ये तक सोच लिया था कि इस ट्रिप को कैंसिल ही कर देते हैं, पता नहीं इस ट्रिप में क्या क्या हो रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है। फिर मैंने सोचा अपने मन को मनाया, जब मैंने इतने किलोमीटर लगातार राइड कर ली और यहाँ तक पहुँच गए, तो अब थोड़ा सा ही रह गया है तो उसको भी पूरा ही करते हैं, सिलेंडर को छोड़ देते, खाना बाहर से खाते रहेंगे, ऐसे बीच में ट्रिप छोड़ के भागना बस, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ के नहीं भागेंगे, बस 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 ये शुक्र है कि बच, दिल को ना तसल्ली दी कि टेंशन नहीं है, भगवान ने बचा ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो बच गया, अब दिक्कत नहीं है, अब सिलेंडर ही नहीं है, अब टेंशन ही खत्म कर दिया, सिलेंडर अभी रखना, अगर लेंगे ना पोर्टेबल लेंगे थोड़ा बहुत पानी वगैरह गर्म करने के लिए, कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ बना लेगा मैगी ना, इसके में अब तो फिलहाल अभी नहीं रखेंगे, ये नेक्स्ट ट्रिप पे रखेंगे जब भी रखेंगे। सो भाई पहला नंबर आ चुका है गोलगप्पे का, भाई जी का भी मन कर गया गोलगप्पे का, वैसे तो मैं खाता हूँ सबसे ज्यादा गोलगप्पे, मेरे फेवरेट है भाई गोलगप्पे, मेरे तो है ही नहीं है, हम मेरा कुछ फेवरेट नहीं, पहले तुम ये कुछ कहते थे ऐसा कुछ, ये गोलगप्पे जो होते हैं ना वो लड़कों के खाने के नहीं होते, अभी हमने हाइट पे जा रहा है ना, तो हाइट में गोलगप्पे सेहत के लिए अच्छे हैं। वैसे इनके लिए मोमोज भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते थे, पर कोई बात नहीं, वैसे आटे के मोमोज नहीं है, पापड़ वाले मोमोज है, क्या कह रहे हो, अगर आप खाओ तो मोमोज अच्छे नहीं है, मैं खाऊं तो सेहत के लिए अच्छे भाई, ये सब तो चलता रहेगा, सेहत को तो बाद में देखना है, पहले तो अपनी पहला सफर को जीना है आप सभी के लिए, खाओ और हमें टेस्ट भी बताओ, मीठा मत डालना मेरे में, चलो ठीक है। नंबर वन, तो भाई आज हमने अपना मन जल्दी भर लिया, मतलब गोलगप्पे ही खाए और एक चाय पिए बस भर लिया है, पर ऐसा मत सोचना कि हमारा मन भर चुका है, हम आगे जा रहे हैं, बहुत फेमस है चौधरी के अड्डे पे, क्या खाने, चौधरी के ढाबे पे, चौधरी का अड्डा, चौधरी के अड्डे पे क्या खाने, पकौड़े पकौड़े, ऐसी ठंड में पकौड़े, वाह जी वाह, चलो पकौड़े खाते हैं, साथ में मेरे को भी ऐसे ही कर देगा यार, पकौड़ा 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 पकौड़ा, चलते हैं। लो भाई हमारी डेस्टिनेशन आ चुकी है बोर्ड पे, इतनी देर से हम ढूंढ रहे थे काजा काजा काजा, अब लिख के आ गया काजा, 305 किलोमीटर है यहाँ से, और उससे भी आगे जाना है हमें, पर थोड़ा सा ही आगे जाना है, ज़्यादा नहीं, 150 किलोमीटर बस, और फिर हमारी जहाँ तक हमें पहुँचना है डेस्टिनेशन ख़त्म हो जाएगी, फिर हम वापस आने लग जाएंगे धीमे धीमे। सो भाई मुझे यहाँ पे रिपेयर शॉप मिल चुकी है, एक TVS की है, सो ये ना यार मेरी जो बाइक है इसके अंदर सेल्फ नहीं चल रहा था, बता रहे शायद फ्यूज़ ख़राब हो गया होगा, दूसरी वाली चाबी भैया, नहीं दूसरी वाली, ये वाली फ्यूज चेक कर रहे हैं भैया, बस सो ये है बेसिकली फ्यूज़, सुबह से स्टार्ट ही नहीं हो रही थी गाड़ी, तो जब हम नॉर्थ ईस्ट गए थे तब हमने बैटरी नहीं डलवाई थी, और अभी चलाई भी नहीं है ज्यादा, और बैटरी खराब हो गई है, खराब हो गई है, हाँ रिप्लेस हो सकती है, रिप्लेस हो जाएगी, 6 महीने की वारंटी होती है, नहीं ज्यादा होती है, साल या 1.5 साल की होती है, 6 की होती है लगभग, 6 महीने तो हो गए होंगे नॉर्थ ईस्ट को, हाँ यार हो गए होंगे, दोबारा भी जाके आ गए, हो गए होंगे, कोई ना पता नहीं, देखते नहीं तो फिर नहीं डलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परवाह नहीं टूटने वाली, टूटने वाली, ठीक है चलो।
सो दोस्तों ये है पूरी मेन रामपुर सिटी और आप देख सकते हो इतनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे और ये साइड में भी देखो कारें खड़ी हुई है। तो जो चौधरी का ढाबा है ना वो मेन मार्केट के अंदर है और हमारी बाइकों पे लगेज रखा हुआ है तो हमने कैंसिल कर दिया भाई, पकौड़े नहीं खाने चौधरी और किसी पकौड़े खा लेंगे, ये तो बाइक कहाँ खड़ी करेंगे यार, परेशान अलग होंगे, चलते हैं सीधा। सो भाई पकौड़े तो मिले नहीं पर हमने समोसों का विचार बना लिया कि समोसे मिल गए हमें, क्यों भाई? हाँ भाई पकौड़े तो खाने नहीं दिए तुमने, तुमने पकौड़े खाने का दिए, बाइक पार्क नहीं करनी थी, उधर कहाँ जा मैं बाइक पार्क करता, पैदल जाना वो भी अच्छी बात नहीं है, मेरे पकौड़े रह गए, मेरे पकौड़े, मेरे आपके पकौड़े, पकौड़े मैदे के मुझे खाने का मन था यार, अब खा लो फिर। अच्छा पकौड़ों का छोटा बड़ा भाई है कोई चलेगा, समोसा खा लेके चलो कोई बात नहीं। समोसा गर्म करने का तरीका देखा तुमने? हाँ देख लिया, दिखाना होगा भैया किसमें डाला समोसा, वो देखो, ओह ये देखो ये रामपुर के समोसे। इन पहाड़ों की वादियों में समोसा भी बहुत बढ़िया सा लग रहा है यार कसम से, वैसे समोसा में खाना इतना शौकीन नहीं हूँ लेकिन ये पहाड़ों को देख के खाने में मजा अलग ही आ रहा है, वाह जी वाह। खाते हैं, बहुत गर्म कर दिया समोसा, अच्छा खासा गर्म है, खा लेते थे। सो जीतू भाई की चाय नंबर 5 और आपके नंबर 6, नंबर 3 है भाई, 6 है भाई, 3 है, 3 मेरे वाले 3 ही लगा लेगा आज, आज लगा ले, कल को मैं अपनी तरफ ले लूंगा, ठीक है चलो, 6 होगी मेरी 3 होगी, ठीक है ना। हां तो समोसा नंबर 1, वाह 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 वाह। सो भाई हम घूम रहे थे यहीं पे रामपुर में और हमें अपने सत्यावत भाई जी मिले हैं, वो लुधियाना से, वो भी हमारे तरह ही ट्रैवल कर रहे हैं बजट ट्रैवलिंग में और कैंपिंग वाला पूरा सीन है इनका भी, अभी कैंपिंग की जगह ढूंढ रहे हैं, अभी थोड़ा कंफ्यूज है कहाँ पर कैंपिंग लगाए, बड़ा मस्त जर्नी निकलती है स्पीति की पूरी, अब बहुत मजा आने वाला है आपको आगे। देखो भाई पहले तो चाय पीने के लिए कोई पूछता था तो चाय पी लेते थे, आज क्यों पी चाय पिए बता दो, ये तो मेरी नहीं तुम्हारी है, मैंने ऑर्डर नहीं करी, ये वाली भी तुम्हारी है, ठीक है आप बोल तो दिया मैं ही पीऊंगा, भाई तुम पियो मैंने कब मना किया है, कोई नहीं भाई ठीक। अच्छा ईमानदारी बताओ आज कितनी भी चाय है, आज 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं 6 है, 7 है, 6 यार 7 है, थोड़ा बहुत चल रहा है, पता है इन्हें ना बहाने चाहिए चाय पीने के भाई को, सच्ची है ना खुद पीने का भी, मेरा फर्ज नहीं बनता पीने का, आपका नहीं मतलब बनता आप ही का है, हम तो कंपनी देंगे साथ में भैया तो भाई मेरा मैं पहले दिन में एक चाय भी नहीं पीता था लेकिन जब से मेरे साथ रहने लगा दिन की 4 चाय तो मेरी भी हो गई है भाई, एनर्जी डाल देगा भर के एनर्जी पावर बूस्ट कर देगा, ये तो सच बात है, जो हमारी गर्मी मिलती है ना वो सारी चाय से ही मिलती है भाई, बट हम बस यस पीते तक पिएंगे उसके बाद चाय छोड़ देंगे, ये सुनते सुनते हमें साल भर हो गया फिर भी छोड़ देंगे कोशिश करेंगे, नहीं छूटती भाई नहीं छूटती। सो जीतू भाई की गाड़ी पंचर हो गई है, चाय पीकर जस्ट अभी हम लौटे ही थे, जीतू भाई टेंशन की बात नहीं है, पीछे ही पंचर वाले कोई मिल जाएगा, देखता हूँ भैया पंचर वाली दुकान है आसपास कोई, पंचर वाली तो इधर तो नहीं है यार भाई, पीछे पीछे होगी, पीछे मिल जाएगी, मिल जाएगी टेंशन नहीं है, चलो। सो जीतू भाई पंचर लगाने के लिए चले गए, अपन यहीं खड़े हुए हैं, जगह ढूंढ लेते हैं रुकने के लिए यहाँ, या तो फिर थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा 5-6 किलोमीटर, आज हम यहीं रुक जाएंगे क्योंकि मौसम भी यहाँ पे ठीक है, रात को टेम्परेचर प्लस में ही रहता है माइनस में नहीं जाता है तो ठंड भी ज़्यादा ही लगेंगे, आराम से सो लेंगे, तो देख लेते हैं कल आराम से रास्ता कवर कर लेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे आराम से चलते रहेंगे, वैसे ही हमने अच्छा खासा किलोमीटर कवर कर ही दिए हैं आज। सो अभी अभी जीतू बाजी का फ़ोन आया है, तुम गाड़ी आगे ले जाओ और जगह ढूंढ लो जब तक मैं आ जाऊँगा पंचर जुड़वा के, क्योंकि वहाँ टाइम लग रहा है, वहाँ लोग होंगे ना और पंचर जुड़वाने के लिए, इसलिए तो जब तक मैं जगह ढूंढ लेता हूँ सोने के लिए रात में, तो वो आराम से वहाँ पर आ जाएंगे, चलते हैं आगे। तो हमें एक जगह मिल चुकी है खाने के लिए, तो
पर अभी तक सोने की जगह नहीं मिली है। खाने की जगह जो मिली है आर्मी कैंटीन है, बढ़िया खाना मिलता है, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, तो वहाँ खाना खा लेंगे और रुकने की जगह ढूंढ लेंगे, मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पूरा शहर है तो रुकने की जगह भी ढूंढना मुश्किल पड़ रही है, नहीं तो वैसे आराम से मिल जाती, पर यहाँ पे इतनी ठंड नहीं लग रही है तो टेंट आराम से कहीं भी ला सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सो भाई जी तो आ चुके हैं, भाई जी वैसे परेशान हो रहे थे, सोलो है ना भाई जी आप आज, तो भाई जी रुकने के लिए टेंशन ले रहे थे, हमने बोला कोई बात नहीं आप आ जाओ, हम आपको कोई ना कोई जगह दिलवा देंगे जहाँ पे आराम से आप टेंट लगा लोगे। भाई जी भी टेंट लगा रहे हैं, हमारे पहले से वीडियो देख रहे थे, मतलब आप यहाँ से आ रहे थे तब वीडियो देखे थे आपने हमारे स्पीति आते समय? नहीं स्पीति नहीं, नहीं देखे थे, नहीं तो आपको आराम मिल जाता, जहाँ जहाँ रुकने की जगह थी सारी बदल जाती। तो चलो कोई नहीं, आज तो भाई जी को रुकवा देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और हमने खाने के लिए भी व्यवस्था कर दी है, नीचे कैंटीन है बढ़िया, वहीं खाना भी खा लेंगे। जीतू भाई जी का इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं आए, वो आ जाते तो उनको भी आराम से तीनों भाई बैठे खाना खा लेते, आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। सो जीतू भाई जी आ चुके हैं, भाई पंचर जुड़वा लिया? पंचर तो नहीं भाई, वो ट्यूब भी चेंज करी है। अच्छा पता क्या चक्कर हुआ, वो बोला भी ट्यूब तो आपकी खराब है, मेरे को पता लगभग ऐसे ही होता है, वैसे ठीक भी थी ट्यूब और ना भी थी, पर एक बात मेरे को थोड़ी सी गलत लगी, वो बोला भी MRF की ट्यूब पड़ जाएगी, मेरे पास MRF की है, मैंने सोचा ठीक है, मैंने बोला कितने की, बोला 350 की, मैं डाल दो, जब डालने लगा ना वो बिल्कुल लोकल देसी सी ट्यूब थी, तो फिर वो डाली, मैंने बोला भैया इतने की तो है नहीं है, कह रहा हमारे पास तो यही है डलवानी है ऐसा, फिर आपको पता जब आदमी मुसीबत में हो और फिर कोई चारा नहीं होता ना, चलो तो कोई बात नहीं आगे से सही डलवा लेते हैं। हाँ नहीं कोई नहीं चल जाएगी, नहीं डलवा दिया वैसे तो, चलो ठीक है चलते चलेगी, चल जाएगी ना चलेगी फिर देखी जाएगी, चलो ठीक है ठीक है। फिलहाल अभी कुछ बनी जुगाड़ रहने, हाँ नीचे रहने की जुगाड़ तो नहीं, खाने की जुगाड़ बनाइए जल्दी, खाने की तो मिल ही जाती है। अच्छा चलो अभी कैंटीन है, बढ़िया खाना खा लेंगे ना आर्मी कैंटीन है, आ जाओ। सो यहाँ आ चुके अपने पकौड़े, भाई साहब बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, भाई साहब पता कितने के पकौड़े? हाँ पता कितने के पकौड़े? कितने के? 20 रुपए के। ओ भाई, भाई देख रहे हो कहीं नहीं मिलते होंगे। ओहो ये चौधरी खेला भाई आर्मी के सामने, आर्मी कैंटीन है ये, बढ़िया खा रहा है भाई यहाँ पे, खा लेते फटाफट। वैसे अंदर कैंटीन में लाउड है रिकॉर्डिंग करना, तो मैंने परमिशन लेके बनाया, ऐसा नहीं है कि बिना परमिशन लेके बना रहा हूँ, तो मत सोचना, बाकी बाहर का आउटर एरिया नहीं बना सकते भाई, अंदर तो कमरा ही दिख रहा है, कमरा ये इसमें कुछ नहीं है। चलो लो भाई खाना आ चुका है, मिक्स वेज दाल और छोले और बढ़िया बढ़िया रोटी, खाते ऐसे फिर मिलते हैं। इतना बढ़िया खाना मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया, बहुत बढ़िया खाना यार। भाई जी जगह का नाम क्या है? झाकड़ी। झाकड़ी, झाकड़ी में आर्मी कैंटीन है ना ये? आर्मी का नहीं सर, NGPC। तो यहाँ पर आ सकते हो खाने? यहाँ पर आ सकते हैं ना लोग खाने आराम से? वो बहुत बढ़िया खाना है, जरूर खाने आना आप यहाँ पे, मुझे लगा आर्मी का ही एरिया है, बाहर आर्मी खड़ी थी ना। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने अभी तक इस ट्रिप में सबसे बढ़िया खाना खाया है यहीं पे, बेहतरीन लिफाफा है, मैं लेके चलूं? नहीं कल साथ लेके चलते हैं, हफ्ते का एक हफ्ते का ले जाते हैं भाई, यहीं से खाना है हफ्ते का, इतना टेस्टी खाना मन करा साथ ही लेके चले भाई, ओए जगह याद रखना आते हो फिर यहीं से खाना है, ठीक है सुबह जाते भी यहीं से खाना है, ठीक है ठीक है, और आगे कहीं और कंटीन मिलेगी फिर वहीं से खाना है, ठीक है ठीक है ना, खाना खाना है। पता नहीं एक्सप्लोर कब करेंगे। वैसे तो ये कैंटीन बंद हो रही थी, पर उन्होंने हमें चाय भी ऑफर कर दी, चाय पीने के लिए भी दे दी, और हमने ऑर्डर भी नहीं किए थे स्प्रिंग रोल, और स्प्रिंग रोल भी दे दिया हमें कि खा के जाओ कोई दिक्कत नहीं है, खुश कर दिया उन्होंने, दिल खुश हो गया हमारा। वैसे हमें खाना इतना टेस्टी था कि क्या होता हूँ, दिल वैसे ही बहुत खुश था, पर उन्होंने मतलब जेस्चर जो था ना, मतलब ऐसे गिफ्टिंग वाला जेस्चर बहुत अच्छा लगा। और पाजी और जब तला भुना है तो अर्षु भाई वैसे ही खुश रहते हैं, आपको पता ही है, पकौड़े हो तला भुना हो तो मस्त है भाई, सच्ची यार बहुत टेस्टी सारा ही खाना, बहुत आप जब यहाँ पे आओ ना जरूर खा के देखना, मजा आ जाएगा आपको, आपका ही भाई अलग ही टेस्ट है, थैंक यू सर। मैं डाकू एक नंबर दा, हाँ जेड़ी चीज ते अखे ओ खो लेना, मैं डाकू एक नंबर दा, हाँ जेड़ी चीज ते अखे ओ